भरतपुर के जनाना अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने के मामले में आक्रोशित चिकित्सा कर्मियों ने कुछ समय के लिए अस्पताल के बाहर आकर अपना विरोध जताया। घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल मौके पर पहुंचे और चिकित्सा कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें शांत कराया। इसके बाद तय हुआ कि कोरोना संक्रमित क्षेत्रों से आए मरीजों के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में अलग से यूनिट बनाई जाएगी और उनका इलाज किया जाएगा। वहीं जनाना अस्पताल में सिर्फ उन मरीजों का इलाज हो सकेगा जो कोरोना संक्रमित क्षेत्रों से नहीं आए हों। पिछले एक महीने से हमारे काफी प्रयासों के बावजूद हमारा सिर्फ ये निर्णय है कि हम भरतपुर की जनता हैं, पहले भरतपुर के नागरिक होने के नाते भरतपुर जिले की जनता के स्वास्थ्य की भी चिंता हमें करनी है, क्योंकि हम बोलते अलग नहीं है। तो हमारे लिए एक निर्णय मिल जाए कि आप या तो कोविड हॉस्पिटल का काम करोगे या नॉन कोविड में करोगे। यदि किसी पेशेंट को डार्क जोन से या रिस्क एरिया से अगर लेके आते हैं, कोई ट्रेवल हिस्ट्री हॉटस्पॉट से लेके आते हैं, तो उस मरीज को जब तक उसकी टोटल स्क्रीनिंग नहीं हो जाए, जब तक उसको अंदर नहीं भेजा जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए, जब तक उसको, क्योंकि जनाना हॉस्पिटल की सिर्फ एक एंट्री है, यदि इसमें कोई इन्फेक्टेड मरीज आ गया और वो घुस गया तो पूरे के पूरे हॉस्पिटल को